नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली भर्ती के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया भर्ती है और इसमें आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं ये भर्ती दोस्तों ग्रुप सी स्टाफ के लिए है जो कि हेडक्वार्टर सिक्सटीन कोर्प्स में निकली हुई है यहाँ पर दोस्तों मजदूर फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के पदों पर भर्ती निकली हुई है तो बहुत ही अच्छी दोस्तों जॉब है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में जिसमें आप अपना सुनहरा कैरियर बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर इसकी लास्ट डेट क्या होगी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, क्या होगी और इसके लिए आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है ठीक है तो हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं आपके वो आपको एट नाइन एट ए बटालियन ए एस सी को भेजने हैं तो यहाँ पर मैं आपको पूरे फुल फॉर्म बता देता हूँ एट नाइन एट एनिमल ट्रांसपोर्ट बटालियन

वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है थीके? ये है दोस्तों वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो आपको यहाँ से डाउनलोड करके और इसका प्रिंट निकाल के भेजना है ठीक है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो भर्ती के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दे देता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट है उसका नाम है फायर इंजन ड्राइवर इसका आपको जो पे मैट्रिक्स होगी वो बेसिक पे आपकी इक्कीस हजार सात सौ रुपए से स्टार्ट होगी यहाँ पर टोटल थ्री वैकेंसीज हैं दो जनरल के लिए और एक ओबीसी के लिए ठीक है टेंथ पास होना आपको जरूरी है और आपके पास में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है तीन साल का और यहाँ पर आपके पास में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है और एक्सपेंशन के बाद में चेस्ट आपका 85 सेंटीमीटर बेट आपका 50 केजी होना जरूरी है आपको जो इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपके लिए सिक्सटी फाइव वजन 83 मीटर तक आपको कैरी करना होगा जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 96 सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद में आपके पास में दोस्तों आपको 2.7 मीटर का एक चौड़ा गड्ढा होगा जिसके लिए आपको क्लियर करना होगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों ये लॉन्ग जंप हो गई उसके बाद में आपका होगा वर्टिकल रोप जो कि आपको थ्री मीटर तक क्लाइम करना होगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है फायरमैन का इसके जो पे स्केल है वो उन्नीस हजार नौ सौ रुपए से स्टार्ट होगा और यहाँ पर टोटल नौ वैकेंसीज हैं दोस्तों और इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास में टेंथ पास होना जरूरी है और टेंथ के साथ साथ आपके पास में दोस्तों ये जो आपका हाइट है वो वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर होना जरूरी है चेस्ट आपका एट्टी वन सेंटीमीटर और वेट आपका फिफ्टी के जी होना जरूरी है इंडोरेंस टेस्ट में दोस्तों आपके लिए सेम वही सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव के जी का जो वजन होगा वो एट्टी वन एट्टी थ्री मीटर तक आपको कैरी करना होगा जिसके लिए आपको 96 सिक्स 96 नाइन्टी सिक्स सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा टू पॉइंट टू पॉइंट सेंटीमीटर वाइड डिच आपको क्लीन करनी होगी तो यहाँ पर जो लॉन्ग जंप है आपकी वो टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन मीटर हो गया और जो आपका क्लाइंबिंग है मतलब रॉक रॉक क्लाइंबिंग जो वर्टिकल रॉक आपको क्लाइंब करना होगा वो आपको थ्री मीटर तक करना होगा ठीक है उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल मजदूर तो इंडस्ट्रियल मजदूर में आपको भर्ती देखने के लिए भी आपके पास में टेंथ पास होना जरूरी है और आपके पास में जो आपकी हाइट है वो वन सेंटीमीटर मीटर नॉर्मल चेस्ट आपका एट्टी वन सेंटीमीटर और आपके वेट जो है वो फिफ्टी के होना जरूरी है इंडोरेंस टेस्ट में दोस्तों सेम आपके पास में 65.5 केजी जो वजन होगा वो आपको 183 मीटर तक आपको कैरी करना होगा जिसके लिए आपको 96 सिक्स सेकेंड्स दिए जाएंगे उसके बाद में आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी दोस्तों ये केवल इंडस्ट्रियल मजदूर के लिए है फिजिकल 1600 मीटर रनिंग होगी जिसमें आपको 5 मिनट और 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ठीक है फाइव मिनट ट्वेंटी सेकेंड से लेकर छः मिनट तक का टाइम आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर जो सोलह मीटर की रनिंग है वो आपको छः मिनट के अंदर क्लियर करनी होगी पुशअप आपको पच्चीस यहाँ पे और चिनअप सिक्स और सिटअप्स आपकी जो है वो थर्टी फाइव आपसे लगवाए जाएंगे तो ये तो होगी दोस्तों इनके बारे में डिटेल अभी मैं आपको यहाँ पर एज बता देता हूँ कुछ कैटेगरीज की तो जनरल के लिए जो एज लिमिट होगी वो अट्ठारह से पच्चीस साल होगी ओ के लिए अट्ठारह से अट्ठाईस साल होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री ईयर्स का एज रिलेक्सेसन है एज पर गवर्नमेंट रूल और एस सी और ई के लिए आपकी अट्ठारह से पच्चीस साल एज लिमिट और आपके लिए पाँच साल का जो है वो रिलैक्सेसन दिया जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपको एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका एनिमल ट्रांसपोर्ट बटालियन रजिस्टर्ड पोस्ट करना अब है दोस्तों लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़ तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका लास्ट डेट ऑफ़ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगी वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो छपने के बाद में थर्टी डेज होगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी भर्ती की डिटेल है ये अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नहीं आई है तो अगले वीक का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होगा उसमें इसकी डिटेल्स आ जाएगी उसके बाद में आपको थर्टी डेज़ का टाइम दिया जाएगा तो आप अभी से इसको कार्रवाई शुरू कर दीजिए अपना फॉर्म भर के रखिए जैसे ही इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में लिए इस भर्ती की डिटेल आती है आप अपने जो है वो फॉर्म भर के भेज सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा आपका दिया गया है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दी गई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा कर भेजने होंगे अटेस्ट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स विल आल्सो बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भेजने होंगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भेजना होगा कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल ये भेजना होगा आपको और अगर आप एक्सरविसमैन हैं तो आपके पास में एन ओ सी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको भेजना होगा उसके बाद में दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल इन द लिस्ट ऑफ गेम अगर आप किसी गेम करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा अवार्ड का हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बाय आर देना होगा उसके बाद में जैसे आप अगर ड्राइवर की पोस्ट को भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस है उसको भी आपको फोटो आपको अटेस्टेड कॉपी भेजनी होगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको भेजना होगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों सेल्फ 25 एड्रेस 25 की स्टैम्प लगाकर आपके लिए जो है वो अपना पोस्टल मतलब यहाँ पर अपना जो लिफाफा भेज देना है ठीक है और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में भेजना होगा ठीक है तो फिजिकल फिजिक वो प्लेस ऑफ प्रैक्टिकल फिजिकल ऑब्लिक रिटर्न टेस्ट ये जो है दोस्तों विल बी नोटिफाइड टू कैंडिडेट्स सेपरेटली टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन तो जब आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाएंगे उसके बाद में दोस्तों जो आपके पास में आपका मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में जो ई मेल आई डी दिया जाएगा उसमें आपके लिए डेट मतलब आपका सिलेक्ट वो प्लेस बता दिया जाएगा कि आपका जो फिजिकल है फिजिकल प्रैक्टिकल वो आपका कहाँ पर होगा ठीक है यहाँ पर रिटर्न टेस्ट और काफ़ी सारी जानकारी दी गई है इसको भी आप पढ़ लें तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है इसको आप डाउनलोड करके और इसको यहाँ पर एट नाइन एट एटी बटालियन ए एस सी यहाँ पर भेज सकते हैं ठीक है एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह की भर्ती की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम आपको बिल्कुल करेक्ट जानकारी देते हैं मैं दोस्तों कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता जिसके आप मेरे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना हो तो आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है तो उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत